अगर आपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी और आपका म्यूजिक एप्लीकेशंस पर सॉन्ग नहीं आया तो, और मैं आपको यहाँ पर एक प्रो टिप भी दे देता हूँ, जैसे कि तो आपने जब से अपना सॉन्ग जो है वो क्रिएट किया है, जब से अपना सॉन्ग बनाया, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर से चल रहा होगा कि भाई हमें अपना जो सॉन्ग जो है वो म्यूज़िक एप्लीकेशंस पर अपलोड तो करना ही है, जैसे कि इंस्टाग्राम या स्पॉटिफाई, जियो सावन, इन पर तो अपलोड करना ही है, और साथ ही साथ आपको अपने चैनल पर भी अपलोड करना है। तो 100% में से 90% लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर से उठा होगा कि सबसे पहले हम अपने म्यूज़िक ऐप्स पर सॉन्ग को अपलोड करें या फिर अपने चैनल पर अपलोड करें। भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि आपको यहाँ पर साइट पर अपलोड करना है, यानी कि ऐप्स पर अपलोड करने के लिए साइट पर सबमिट करना है म्यूज़िक या तो सबसे पहले, या फिर अपने चैनल पर सबसे पहले सबमिट करना है, अपलोड करना है, उसके बाद में साइट पर अपलोड करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसमें से क्या सही है, यानी कि सबसे पहले चैनल पर अपलोड करना सही है या फिर वेबसाइट पर एप्लीकेशंस पर अपलोड करने के लिए सबमिट करना सही है? तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, चैनल पर नए हो और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो यहां पर एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, इसको जरूर से दबा लें और वीडियो को लाइक अभी से कर दें और कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट अब हम करते हैं। देखो वीडियो को फिर से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको क्या सबमिट, कहां पर सबमिट करना है, ये बताने के बाद तुरंत वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है? अगर वीडियो को छोड़कर जाओगे तो, जो कि एंड में मैं टिप बताने वाला हूं कि कहां पर सबमिट करने से क्या फ़ायदा होगा सबसे पहले सबमिट करने पर और क्यों करना चाहिए, वो आप मिस कर दोगे। देखो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बताऊं तो सबसे पहले आपको म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर अपना सॉन्ग सबमिट कर देना है। उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वो इसलिए है जब आप अपने म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर सॉन्ग सबमिट कर दोगे, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले इस पर इसलिए अपलोड करना है क्योंकि चैनल पर जो अपलोड करोगे ना आप अपना सॉन्ग, तो वो तो आपके हाथ में, आप किसी भी टाइम अपने सॉन्ग को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने सॉन्ग को ऐप्स पर अपलोड करना चाहते हो तो वो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट के थ्रू अपलोड करवाते हो, तो वहां पर आपको उनको जो है वो थोड़ा सा टाइम देना होता है क्योंकि वो उनके हाथ में होता है कि वे उसको कब अपलोड करेंगे, क्योंकि मिनिमम टाइम जो है वो 24 आवर्स का होता है। तो वो आपको इसलिए अपना सॉन्ग जो है वो यहाँ पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर पहले सबमिट करना है ऐप्स पर अपलोड करने के लिए, क्योंकि चैनल पर अपलोड करना आपके हाथ में, आप किसी भी टाइम, आप रात के 2 बजे भी अपने चैनल पर सॉन्ग अपलोड कर सकते हो, लेकिन ऐप्स पर सॉन्ग अपलोड करना वेबसाइट के हाथ में है। तो क्योंकि जब आप वेबसाइट पर सबमिट कर दोगे तो जब आपका सॉन्ग ऐप्स पर आ जाएगा तो जैसे ही सॉन्ग आपका ऐप्स पर अपलोड हुआ उसके तुरंत में ही आप जो है वो अपने चैनल पर खुद से अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हो अपने सॉन्ग की। लेकिन अगर आपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी और आपका म्यूज़िक एप्लीकेशंस पर सॉन्ग नहीं आया तो आप जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेटफॉर्म के लिंक्स देते हो वो नहीं दे पाओगे। और मैं आपको यहाँ पर एक प्रो टिप भी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के एंड में बताऊँगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए और प्रो टिप क्या है। तो प्रो टिप ये है कि जब आप अपना म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर सबमिट कर देते हो तो जो आपको वहाँ से डेट मिलती है, जो आपको तारीख मिलती है कि किस तारीख को आपका सॉन्ग सभी जगह अपलोड हो जाएगा, या फिर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन साइट को डेट देते हो कि इस डेट को मेरा म्यूज़िक सभी जगह अपलोड हो जाना चाहिए, तो उस डेट के दोपहर को 2 बजे तक आपका सॉन्ग अवेलेबल हो जाता है। कई बंदे ऐसे हैं कि जो सुबह, जैसे कि आपकी डेट है भाई 12 तारीख मेरी डेट है सॉन्ग अपलोडिंग की, तो वो सुबह चेक करते हैं 9-10 बजे कि भाई मेरा सॉन्ग तो आया नहीं, वेबसाइट ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेबसाइट की टाइमिंग है वो दोपहर के 2 बजे तक कोई भी सॉन्ग अपलोड हो जाता है। 2 बजे के अगर बाद भी आपका सॉन्ग अवेलेबल नहीं होता है तो आप वेबसाइट के जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं या फिर जो उनका मेल है उस पर उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जब वहाँ पर आपका सॉन्ग अपलोड हो जाएगा सभी प्लेटफॉर्म पर, तो उसके बाद में चैनल पर अपलोड करना आपके हाथ में, आप तुरंत से उसको अपलोड कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी जो है वो एकदम से डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहले अपलोड कर दोगे तो उसके बाद में आप लिंक्स कहाँ से लाओगे, क्योंकि अभी तक आपके सॉन्ग जो है वो सभी जगह अपलोड नहीं हुए हैं। तो आप ये समझ चुके हैं कि सबसे पहले आपको कहाँ सबमिट करना है, और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि भाई म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर आपको सबसे पहले अपलोड करना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। और भी क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्लियर करने मुझे रह रहे हैं, और आपकी मुझे बिल्कुल जी जान से जो है वो हेल्प करनी है, क्योंकि भाई आप लोगों का सपोर्ट भले से ही कम हो या फिर मेरा चैनल का टॉपिक ऐसा हो जो कि व्यूज़ या फिर वायरल होने का टॉपिक ना हो, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आपका सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सकें। बस फिर भी आप जो है ना मेहनत को नज़रअंदाज कर देते हो, चैनल को सब्सक्राइब फिर भी नहीं करते हो, लेकिन कर लो, शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलो, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।